नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। 7 दिवसीय गणगौर महाउत्सव का समापन बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ। इस मौके पर श्री मेयर छत्तीसगढ़ का समाज की महिलाओं द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 2.5 फुट की प्रतिमा को अपने सर पर रखकर नगर भ्रमण किया गया। आपको लेके आया हूँ आज आरोन शहर में। यहाँ गणगौरों का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार किस बैनर के तले मनाया जा रहा है, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, किस बैनर के तले मनाया जा रहा है ये? फाउंडेशन छत्तीसगढ़ी फाउंडेशन की तले की मनाया जा रहा है। स्वर्णकार स्वर्णकार समाज की ओर से प्रतिवर्ष, मतलब 20 साल से ये पर्व मनाया जा रहा है। तो ये सुहागिनों का पर्व है और खूब धूमधाम से मनाया जाता है। ये आपने चल समारोह कहाँ से शुरुआत कर रखा? ये गणेश मंदिर से और गायत्री मंदिर से चलता है। पहला कलश हमारा कलश यात्रा निकलती है वो गायत्री मंदिर से गणेश जी के मंदिर की साइड जाती है। द्वितीय दिवस, द्वितीय दिवस आज मनाया गया है। द्वितीय दिवस पूजन होती है, फिर पूजन के बाद फिर गणगौर चढ़ाने का गणगौर। 3 दिवस की त्यौहार है, 3 दिवस की त्यौहार है। और कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में जो आप लोग मनाते हैं? सभी महिलाओं ने बहुत सहयोग किया, सभी महिलाएं बढ़िया सहयोग करती हैं, अच्छा सहयोग। लोगों ने डांस कर दिया, बहुत अच्छा लगा। धूमधाम से मनाया गया है, मनाया जाता है। समाज की महिलाओं ने बहुत अच्छे से धूमधाम से गणेश जी परिवार के लिए तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। थैंक यू। आपको बता दें कि जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही तो एक देखने लायक यहाँ पर आकर्षण का केंद्र था कि महिलाएं सजी धजी कपड़ों में, एक साल लग रहा था मानो आज यह पूरा क्षेत्र धर्ममय हो गया है। महिलाएं बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हुई और नाचती गाती महिलाएं जब नगर में निकली तो यहाँ पर पुष्प वर्षा महिला के ऊपर की गई। लोगों ने अभिनंदन किया, स्वागत किया। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर विहंगम दृश्य आज आरोन में नजर आ रहा है। जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, बड़ी संख्या में महिलाएं इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। ये श्री मेयर छत्तीसगढ़ समाज के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें आप देख रहे हैं 2.5 फुट की मूर्ति अपने सर पर रख के महिलाएं जब नगर भ्रमण किया तो एक आकर्षण का केंद्र यहाँ पर नजर आया। और आप देख रहे हैं कितना खुश माहौल है यहाँ पर, मुस्कुराते हंसते गाते नाचते गाते श्रद्धालु। आप देख रहे हैं इसमें महिलाएं कितनी झूम रही हैं, नाच रही हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है, भव्य तरीके से इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। क्योंकि 7 दिवसीय गणगौर महोत्सव चल रहा था, महिला लगातार समृद्धि और सुख शांति के लिए इस व्रत को अपना रही थी। वहीं शिव मंदिर सर्व समाज द्वारा भी भव्य शोभा यात्रा गणगौर महोत्सव के रूप में निकाली गई। यहाँ पर महिलाओं ने गायत्री मंदिर पर इकट्ठा होकर बड़े भव्य तरीके से गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। आज क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? ग्रुप का क्या नाम है? शिव मंदिर ग्रुप। इधर माहौर क्षत्रिय सुवर्ण समाज द्वारा भी भव्य गणगौर महोत्सव मनाते हुए संपन्न अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नगर में भ्रमण कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे सभी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आप देख रहे हैं कितना आकर्षण है यहाँ पर, बैंड बाजों के साथ ये एक आकर्षण पूरे नगर में दिखता है। यहाँ पर लाइटिंग के साथ महिलाएं नाचती गाती झूमती विसर्जन के लिए निकली और ये शोभा यात्रा नगर में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है और आप देख रहे हैं महिलाएं सजी धजी होकर, क्योंकि 7 दिवसीय गणगौर महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ
महिलाएं मना रही थी और अब विसर्जन का दिन है, इसलिए महिलाएं एक शोभा यात्रा के रूप में नगर भ्रमण कर रही हैं। गणगौर में जिसमें माता पार्वती शिव जी हैं और पक्की में सवार हैं, आप देख रहे हैं इनका स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगरवासियों ने किया, महाआरती की गई। आपको बता दें कि पति समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है जो 7 दिवस चलता है, जिसका आज विसर्जन किया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि ये किस संगठन के द्वारा ये गणगौर पूजा के जुलूस निकाला गया है? हमारे मावर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा ये जुलूस निकाला गया है और बड़े उत्सव से निकाला गया है। ये कौन सा वर्ष है आपका? ये हमारा पहला वर्ष है। इस आयोजन में क्या क्या तैयारी थी आप लोगों की? अरे बहुत तैयारी थी, नगर में जैसे कि आपके क्या बोलते हैं डांस वगैरह जो हुआ था वो गरबा था, हमारी लड़कियों का गरबा था और सबने लुक के हिसाब से जज्बे रखे थे, काली ब्लैक कलर की बड़ी लड़की और महिलाओं ने भी ब्लैक कलर का और इसमें अभी राजपूती ड्रेस का रखा है, अगली साल लहंगा का रखेंगे। अगली साल हमारे जोर शोर से निकालेंगे।